तेरी औलाद है पर तेरा जिस्म नहीं फौलाद है। लोहे जितना ताव दे अपने बदन को, ये जिम में तेरा दर्द ही तो है जो भर देगा तेरे हर एक जख्म को। बाइसेप हो या ट्राइसेप हो, विंग्स हो या शोल्डर हो, एब्स हो या थाइज हो, आर्म्स हो या ट्रैप्स हो, हर जगह से पसीने की नदी बहा दे। बस दिमाग से हिम्मत मत हारना, शरीर को तो काम में ले ही लेंगे। लोग तुम्हें गलती से छूले तो लगे कि पत्थर को छू लिया है। लोग जब एक नजर तुम्हारी तरफ उठा के देख ले तो बस देखते रहने का ही मन करे। बोलते रहना खुद को, बर्बाद नहीं हूँ, बंजर हूँ, अपने शरीर में जोश का खाद डाल के सींचूंगा तो मेरी मेहनत की फसल लहलहा उठेगी। अपनी कमजोरियों को जिम के दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया करो। जब एक बार अंदर आ गए तो तुम्हारा सुपर एनर्जी वाला सर्किट ऑन कर लेना। बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा चमचमाता हुआ शरीर अपने आप बयां कर देगा। खबरदार, तुम्हारी जिंदगी को चुनौतियों ने घेर रखा है। अपने आप को इसी वक्त जिम के हवाले कर दो। अपने आप को इसी वक्त अनुशासन के हवाले कर दो। बहाने बनाना बंद करो कि आज खाक में फोड़ा है, घुटने पर बाल तोड़ा है, आज ट्रैफिक जाम है, आज फूफा आ रहा है, रात को एक करवट सो गया था तो गर्दन दुख रही है, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं तो पहले से ही पतला हूँ, कल से पक्का करूंगा। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शरीर कितना दर्द ले सकता है। तुम्हें नहीं पता तुम अभी से बेहतर बन सकते हो। तुम ये खुद के लिए कर रहे हो, किसी को दिखाना नहीं है। किसी ने तुम्हें जिम ज्वाइन करने के लिए उकसाया नहीं था, तुमने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है ना। तूने सोचा था ना जिम जाकर अपने आप को चट्टान की तरह बनाऊंगा, तो फिर अब क्या वेट कर रहा है? क्या जिम जाने का भी मुहूर्त चाहिए? तो सुन, मैं बताता हूँ, तेरा मुहूर्त था इस वीडियो को देखना। तूने देख लिया तो चल उठ और भर बोतल पानी की और ऐसा उड़ता हुआ जिम में जा जैसे आज जैसा तो कोई दिन ही नहीं है। कोई ताने मारे तो लगा लेना अपने ईयरफोन को कानों में, और मत करना उस दोस्त से बात जिसने बोला था कि क्या करेगा जिम करके। अपने दर्द को महसूस करते जाओ और उस वक्त का आनंद लेते जाओ। थोड़ा आगे की सोच कि 2 महीने बाद तू कैसा दिखेगा, 6 महीने बाद तू कैसा दिखेगा, अरे 1 साल बाद तू कैसा दिखेगा। अरे तू आज की तुलना में काफी ताकतवर बन चुका होगा। तुझे सच में अपने मेहनत भरे सफर को याद करके गर्व होगा। और जब तू खुद की नजर में उठ जाएगा तो जिम तो क्या, जिंदगी में भी कुछ भी करने के लायक बन जाएगा, क्योंकि तेरा अपने आप पर विश्वास बढ़ जाएगा कि तू अपने आप से कुछ भी करवा सकता है। अगर जिम जाने के बाद भी तुझे अपना रिजल्ट नहीं दिखे तो ध्यान देना कि तू कोई बकवास चीज तो नहीं खा रहा जो तेरी ताकत को कम कर रही है, या कोई तेरे कंसंट्रेशन के साथ तो नहीं खेल रहा जिससे तू फोकस नहीं कर पा रहा अपनी मसल्स पे, अपने खान पान पे, अपने डेली रूटीन पे। अगर तू सच में बॉडी बनाना चाहता है तो सबसे पहले खुद पर बिलीव कर कि तू एक अच्छा शरीर बना सकता है, हर उस एक इंसान की तरह जिसको तू फिल्मों में, पोस्टर्स में या अपने सपनों के बॉडी बिल्डर में देखता है। अरे वो भी नॉर्मल बंदा था, उसने भी एक दिन में नहीं किया, वो लगातार हर रोज अपने सपने को चेस करता रहा और आज जाकर उसको रिजल्ट मिला है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो, मजबूत रहो अंदर से और बाहर से, मजबूत रहो और दिखो भी। जय हिंद, वंदे मातरम।